और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के सरगुजा जिले के, जहां के बतौली क्षेत्र में खुलने वाली एल्यूमिनियम रिफाइनरी फैक्ट्री का फिर से विरोध होने लगा है। लंबे समय से विरोध करते आ रहे ग्रामीणों ने बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और फैक्ट्री बंद करने की मांग की है। दरअसल जिले में मां कुंदरगढ़ी एल्यूमिनियम रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। फैक्ट्री खोलने के विरोध में ग्रामीण लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि फैक्ट्री खुल जाने से अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने प्राकृतिक संपदा सहित जल जंगल जमीन पर फैक्ट्री का बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका जताई है। ग्रामीण पहले भी कई दफा फैक्ट्री के विरोध में जिला प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, मगर अब तक कोई भी हल नहीं निकल पाया है। तो वहीं कलेक्टर कुंदन कुमार ने पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग बात कही है। हमने एक बार 13 सितंबर के आए रहन, 13 पिकअप 13-14 पिकअप उस दिन कलेक्टर साहब जी मिले रहन, 2.5 घंटा तक मिलन, मीटिंग रखीस और बात हमन रखें, बात जो भी रखना रिस रखें और उस दिन आश्वासन भी दही ना कलेक्टर महोदय जी। और उस दिन कहीं कि महेश तोर गांव से जो अगल बगल गांव में जो पंचायत जो है वो कंपनी के विरोध काबर करे थे वो कारण से लिख के दहो कही रही, वही ला हमन आज वही कागज ला दे बराए है। एक आम सभा करके एक पूरा उन्होंने एक आम सहमति में काफी सारे बिंदु में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, उसको परीक्षण करेंगे और आगे की कार्रवाई।